अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल मसूर पुलाव। तो चलते शुरू करते बनाने के लिए, एकदम लाजवाब और स्वादिष्ट बनाएंगे, तो फटाफट से शुरू करते। तो पहले में हम 4 से 5 टेबलस्पून तेल डाल रहे, जो हमने प्याज लाल करे थे वही तेल डाल रहे। तो इसमें थोड़ी खड़े मसाले डालेंगे, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, 700 ग्राम चिकन हमने धोकर पहले से रख ले तो वो डाल देते हैं। 2-3 प्याज को हमने लाल कर लिए थे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के अंदर हम डालेंगे 2 बड़े टमाटर बारीक कटा हुआ। 1/2 चम्मच हम काली मिर्च जीरे का पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। हमारा छोटा चम्मच है तो हमने 2 डाले हैं, बड़ा चम्मच 1 चम्मच डाले। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसे अच्छे से हम भून लेते हैं मसाले के साथ। 2 टेबलस्पून जैसे हम बटर डाल रहे, अगर आपके पास घी हो तो वो डाल दें, और ना डाले तो भी कोई बात नहीं। अच्छे से मिक्स करके हम भून लेते हैं टमाटर गलने तक चिकन को, जब तक चिकन का स्मेल ना। थोड़ा सा हमने फ्रूट कलर डाले, ऑरेंज वाले, ताकि कलर आ जाए हमारे पुलाव में, इसलिए हमने डाले हैं। हम इसी के अंदर डालेंगे 1 चम्मच जैसा पुलाव मसाला। अच्छे से भून लेते हैं सभी मसाले को डालकर। मसाला हमारा भुजा गया था तो इसमें हम थोड़ा सा दही डाल दे रहे हैं। अगर आप दही डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, और ना तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा दही डाले है। अच्छे से मिक्स करके इसे हम भून लेते हैं। तो हरा धनिया हमने डाल दिया, अब इसे मिक्स कर देते हैं। और एक हाथ से आज हम फोन पकड़े हैं और एक हाथ से पका रहे, क्योंकि हमारा ट्राईपॉड आज टूट गया, बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया हमारा ट्राईपॉड। तो पकाने में बहुत मुश्किल हो रही है आज हमें, अब ट्राईपॉड हमें मंगाना पड़ेगा। तो अब इसमें हम चावल डाल देते हैं धोकर। तो चावल हमने धुलवा लिए थे पहले से ही हमारे जेठानी से, क्योंकि आज हमें अकेले बनाने में, ट्राईपॉड टूट गया तो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने काला मैं थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मसूर धोकर डाल देते हैं। हमने 3 कप चावल ले लिए थे और 1 कप जैसा मसूर ले लिए खड़े वाले। तो धोकर अच्छे से इसे भून लेते हैं। मसाले में 2 मिनट तक भूजेंगे अच्छे से। तो 2 मिनट हमने भून लिया, अब देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 4 कप जैसा हम पानी डालेंगे, क्योंकि हमने 3 कप जैसा चावल लिए तो 4 कप जैसा पानी डालेंगे। हमने छोटे वाले चावल का इस्तेमाल किया है, आप लंबे वाले चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 कप जैसा हम पानी डाल दे रहे हैं चावल में, और अच्छे से इसे हम मिला देते हैं चावल को, और इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। जब तक उकाल ना आ जाए तब तक इसे हम ढक्कन से कवर कर देंगे। तो ढक्कन से हमने कवर कर दिया है, अब 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। तो 5 मिनट हो गए, हम ढक्कन खोल देते हैं। आप देख सकते हैं चावल में पानी कम हो गया, चलाकर इसे हम ढक्कन से कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो ढक्कन से कवर कर दिए है हमने, 15 मिनट हो चुके, हम ढक्कन खोल देते हैं। हमारा चावल देख सकते हैं दम पर अच्छे से पक चुका है, हमने आग को बुझा दिए थे। तो अब देख सकते हैं दानेदार बना है हमारा चावल, बिल्कुल भी हमारा चावल एक में चिपका नहीं है। तो आप देख सकते हो, जब चलते फटाफट से इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो निकाल लेते हैं, पहले हमने अंगारे पे ही रहने दिए थे, तो अच्छे से दानेदार बन चुका है हमारा पुलाव। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज हमारा ट्राईपॉड टूट गया है तो हम हाथ से ही डायरेक्टली वीडियो बनाकर डाल दे रहे हैं। आप देख सकते हो इतना लाजवाब और स्वादिष्ट बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें।